हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप के अंदर दिखाने वाला हूँ कैसे आप किसी भी नॉर्मल सी जो फोटो होती है, जो DSLR पे शूट किया हुआ या फ़ोन पे शूट किया हुआ फोटो होती है, उसको ऐसे कैसे आप कलर इम्प्रूव कर सकते हो, साथ में उसके ऊपर जो डस्टी टाइप का कलर्स वगैरह होती है वो सारा कुछ कैसे फिक्स कर पाओगे, उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना और सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लेना ताकि मैं जो स्टेप्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ सारे स्टेप्स आप परफेक्टली समझ पाओ। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, मैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले जाके फोटोशॉप के अंदर सारे कुछ दिखाऊंगा और आज की इस ट्यूटोरियल में मैं फोटोशॉप CC 2020 यूज करने वाला हूँ। आप फोटोशॉप का CC वर्सन या चाहो तो आप Lightroom यूज कर सकते हो, जो Lightroom का जो कंप्यूटर PC वाला वर्सन है Lightroom क्लासिक, वो भी आप यूज कर सकते हो ये वाला एडिटिंग के लिए। स्टेप सेम ही रहेगा, अमाउंट्स वगैरह सारे कुछ आप परफेक्टली फॉलो कर लेना तो आपको भी सेम आउटपुट मिलने वाला है। तो चलिए मैं मेरा फोटोशॉप के अंदर ले चलता हूँ। तो देख सकते हो मैं मेरा फोटोशॉप के अंदर आ चुका हूँ। इसी फोटोशॉप के अंदर सबसे पहले करूंगा क्या, मेरा ये वाला फोटो मैंने ओपन कर लिया जिसके ऊपर देखो बहुत सारा डस्टी टाइप का कलर्स है, साथ में उतना परफेक्ट कलर नहीं है जो कि नॉर्मल अगर फोटोशॉप के अंदर आपको फोटो ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। तो आप सिंपली ये वाला जो फोटो है, आप DSLR पे शूट किए हुए फोटो पे भी कुछ इस तरह से आ सकता है या चाहो तो मोबाइल पे शूट किया हुआ फोटो भी कुछ इस प्रकार से दिख सकता है। तो उसको कैसे फिक्स करना है, सबसे पहले इसके ऊपर आपको बैकग्राउंड का राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बना लो। आप अगर फोटोशॉप का CC वर्सन यूज कर रहे हो तो आपको कंट्रोल या कमांड J दबाते हुए आप इसको डुप्लीकेट लेयर ले सकते हो। सिंपली देख सकते हो बैकग्राउंड का एक कॉपी बन चुका है। अभी इसी कॉपी के ऊपर बहुत सारा काम है। देखो मैं इसके ऊपर बहुत सारा एडिट करने वाला हूँ, आप लोगों का एक गलती वगैरह तो हो ही सकती है, तो उसके लिए आपको एक स्टेप फॉलो करना है जो कि आपको बाकी गलती सुधारने में काम आएगा। सिंपली देखो बैकग्राउंड कॉपी के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शंस मिल जाएगा जो फोटोशॉप का CC वर्जन के अंदर मिलता है, यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसको अगर कर लेते हो तो आप जो फोटोज एडिट करोगे वो बाद में उसका अमाउंट्स वगैरह इधर उधर चेंजेस कर सकते हो और आप इसको बाद में वो जो एडिट जो किया हुआ एडिट है वो भी आप रिटर्न ले सकते हो। तो उसके लिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने कर लिया। अभी इसके ऊपर जितना सारा एडिटिंग करूंगा उसका यहाँ पे चीज़ें वगैरह रह जाएगा ताकि मैं उसको मॉडिफाई कर सकूँ। तो अभी देखो मैं बैकग्राउंड कॉपी के ऊपर ही काम करूंगा, बैकग्राउंड नॉर्मली बैकअप के लिए रह जाएगा। अभी ये कॉपी के ऊपर क्या काम करूंगा, नॉर्मली मैं यहाँ पे एक ही चीज़ों के ऊपर काम करूंगा जो कि है कैमरा रॉ फिल्टर। मैं यहाँ पे फोटोशॉप का जो CC वर्सन है इसके ऊपर कैमरा रॉ फिल्टर मिल जाती है तो उसी के ऊपर काम करूंगा। और आप अगर Lightroom क्लासिक यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे Lightroom के अंदर नॉर्मली कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करने के बाद जितना सारा सेटिंग्स होती है वही आप कर लोगे तो परफेक्ट सा आउटपुट आपको मिलने लगेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले फिल्टर पे जाके कैमरा रॉ फिल्टर ले लेता हूँ। अभी इसी कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर सारे कुछ सेटिंग्स मैं अप्लाई करूंगा। अभी सबसे पहला काम क्या होगा, देखो सबसे पहला काम आपका प्रोफाइल कलर रहेगा, यहाँ पे और कोई चेंजेस नहीं करना है। अभी कलर प्रोफाइल के ऊपर आपको बेसिक से स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं बेसिक से ही स्टार्ट किया, सबसे पहले व्हाइट बैलेंस जो होगा एज सूट ही रहेगा, आप सिंपली एक्स्ट्रा कोई चेंजेस नहीं करना, ऑटोमेटिक जो यहाँ पे रहता है वही चूज कर लो। अभी यहाँ से टेम्परेचर जो होगा टेम्परेचर को थोड़ी सी इधर उधर करना होगा, जो कि यहाँ पे मेरे को टेम्परेचर -5 में डालने वाला हूँ, थोड़ा सा ब्लूनेस यहाँ पे आ जाएगा। अभी इतना सारा होने के बाद अभी मैं एक्सपोजियर को नियर अबाउट थोड़ा सा मेरे फोटो के मुताबिक इंक्रीज करने वाला हूँ। देखो मेरे फोटो के ऊपर लाइट उतना परफेक्ट नहीं है तो इसलिए मैं एक्सपोजियर को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मिलेगा आपको, कॉन्ट्रास्ट को नियर अबाउट 20 के आसपास इंक्रीज कर देना है। अगर आप ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर दोगे तो वहाँ पे ब्लैकनेस आ जाएगा, फोटो का डिटेल्स खराब होगा, तो वो कुछ करना नहीं है। नॉर्मल अबाउट 20-30 के आसपास आप डिटेल्स खराब नहीं होता है, तो मैंने 20 के आसपास पहले कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज किया। आप बाद में इसको तो मॉडिफाई कर सकते हो, पहले अमाउंट को पहले करके देख लो। अभी मैं यहाँ से हाइलाइट्स डालूंगा, थोड़ा सा कलर तो आएगा ही। अभी हाइलाइट्स को 10 के आसपास इंक्रीज किया, शैडोज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया 10 के आसपास। अभी आपको फिर भी ऑड लग रही है लेकिन आपको घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना है। अब यहाँ पे देखो व्हाइट्स थोड़ी सी ऐड करूंगा 15 के आसपास ताकि यहाँ पे फोटो के ऊपर थोड़ी सी लाइटनेस ऐड हो जाए। अभी इतना सारा चीज़ें होने के बाद ब्लैक को आपको पूरा पूरा डाउन करते जाना है जितना तक ना आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलता रहे। मेरा यहाँ पे 65 के आसपास परफेक्ट ब्लैक मिल रही है, तो अभी देखो परफेक्ट सा टोन यहाँ पे मिल चुका है। अभी ये वाला लेयर का ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, फोटो का डिटेल्स लूज नहीं हुआ है। यहाँ पे सिंपली आपका जो फोटो के ऊपर डस्टी टाइप का कलर्स वगैरह
था वो रिमूव हुआ है, थोड़ा सा कलर टोन इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको जो काम करना पड़ेगा, क्लियरिटी को प्लस 5 के आसपास इंक्रीज कर लो, डेहज को प्लस 5 के आसपास इंक्रीज कर लो। देखो क्लियरिटी डिपेंड करता है आपका फोटो किस तरह का है उसके ऊपर, अगर आपका फोटो का डिटेल्स उतना परफेक्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप क्लियरिटी को इंक्रीज कर सकते हो। अभी वाइब्रेंस को मैं यहाँ पे नियर अबाउट 15-20 के आसपास मैं इंक्रीज करने वाला हूँ, तो मैं 20 के आसपास डाल दिया। अभी इतना सारा चीज़ें हो जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा कर्व के अंदर, इस कर्व वाला लेयर के ऊपर व्हाइट कलर को चूज करके रखना, इस जो कर्व का कलर है, और सिंपली थोड़ा सा ये जो ब्लैक पोर्शन पे आप लिटिल बिट कलर डाल सकते हो, लाइटनेस डाल सकते हो यहाँ से। तो ये वाला लेयर की मदद से देखो थोड़ा सा लाइटनेस इंप्रूव हो चुका है। अभी आपको जाना पड़ेगा डिटेल्स के अंदर। अभी डिटेल्स के अंदर क्या करना होगा, अब देखो शार्पनिंग पहली ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप शार्पनिंग को 25 के आसपास इंक्रीज कर दो, और यहाँ पे नॉइज रिडक्शन को आपको 25 कर लेना है। कलर नॉइज रिडक्शन यहाँ पे मिलेगा, आप सिंपली उसको 30 के आसपास इंक्रीज कर लो। ये तीनों कर लेने के बाद आपको जाना पड़ेगा कलर मिक्सर के ऊपर, जिसके ऊपर मैं कलर वगैरह इंप्रूव करने वाला हूँ। ये सेटिंग्स वाइटल है ताकि आपका फोटो का लुक परफेक्ट आ जाए, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपका ऑरेंज कलर चूज करना है। ऑरेंज कलर क्यों दे रहा हूँ, इसका जो स्किन का कलर है ना, इसके ऊपर ऑरेंज टोन आ जाती है, तो ऑरेंज टोन के ऊपर डिपेंड करता है स्किन का टोन किस तरह से आएगा। मैं थोड़ा सा व्हाइट टाइप का टोन लाना चाहता हूँ, तो इसीलिए इसका सैचुरेशन को -30 के आसपास किया, और इसका जो लुमिनेंस होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज करते रहना नियर अबाउट 10 के आसपास, तो बढ़िया आएगा। मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो और भी लाइटनेस परफेक्ट आ जाएगा, तो व्हाइट टाइप का स्किन लगेगा। अभी आप चली जाइएगा येलो के ऊपर, मेरे देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा येलो टोन है, साथ में ग्रीन टोन है, तो मैं येलो को सब येलो का जो हुई होगा फुली -100 करता हूँ, और इसका सैचुरेशन फुली 100 कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे येलो टोन परफेक्टली आ जाए, येलो स्टोन जो है वो बेहतर लगे। अब यहाँ से जाऊँगा मैं ग्रीन कलर के ऊपर, ग्रीन का हुई को फुल्ली 100 कर दूंगा पहले। देखो 100 कर देने के बाद बहुत ही बढ़िया सा एक टोन आ चुका है, घबराना नहीं है, यहाँ पे भी सैचुरेशन को 100 कर दो। और कर देने के बाद लुमिनेंस थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है इस लेयर के ऊपर 10 के आसपास। योलो का लुमिनेंस भी आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 10 के आसपास इंक्रीज कर सकते हो। अभी इतना चीज़ें होने के बाद आपको जाना पड़ेगा एक्वा कलर के ऊपर। एक्वा देखो स्काई वगैरह के ऊपर आ जाएगा, सिंपली उसका हुई को आपको फुली 100 एंड साथ में सैचुरेशन को फुली 100 कर लो। अभी आप देखो ड्रेस का कलर मेरे को यहाँ पे मिल रहा है ये मैजेंटा कलर के ऊपर, तो मैजेंटा का जो सैचुरेशन है वो मैं 100 करने वाला हूँ, साथ में लुमिनेंस को 10 के आसपास इंक्रीज करने वाला हूँ। तो आपको ये देखते हुए कितना सारा कलर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी जाऊँगा रेड के ऊपर, रेड का सैचुरेशन लिटिल बिट आपको इंक्रीज करना होता है, तो आप देख लो अगर इंक्रीज करना होगा तो आप वो इंक्रीज कर लेना। अब इतना सारा चीज़ें होने के बाद आपको जाना पड़ेगा कलर ग्रेडिंग के ऊपर। देखो कलर ग्रेडिंग के ऊपर क्यों जा रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा टोन्स का जरूरत है यहाँ पे, तो मैं इसीलिए ग्लोबल वाला के ऊपर क्लिक किया, तो ग्लोबल कलर का आइकन यहाँ पे आ गया है। तो मिडिल वाला पोर्शन पे एक थोड़ा सा पॉइंटर के साथ साथ एक सर्कल रहेगा, इसको आपको ड्रैग करके नियर अबाउट इस तरह से अमाउंट पे लाना है, ताकि हुई 225 के आसपास आ जाए, सैचुरेशन 20 के आसपास इंक्रीज हो जाए। अभी आपको यहाँ से लुमिनेंस को आपको इंक्रीज करना होगा नियर अबाउट 50 के आसपास। देखो 50 के आसपास मैंने इंक्रीज कर लिया, अभी टोन भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी आपको जो काम करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा डायरेक्टली इफेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे वेगनेट मोड पहले -50 के आसपास डाल दो, साथ में मिड पॉइंट 100, राउंडनेस 100 एंड फेदर को 100 कर लो। अभी अगर ज़्यादा आपको यहाँ पे इफेक्ट हो गया वेगनेट मोड, तो आप सिंपली थोड़ा सा घटाते रहना, नियर अबाउट आप देख पाओगे 25 के आसपास ही आपको बेहतर से बेहतर आपको आउटपुट मिल जाएगा। आप सिंपली देखो फोटो का अगर ओवरऑल आपको लुक दिखा दूँ, देखो पहले फोटो कुछ इस प्रकार से था, और एडिट करने के बाद देखो दोनों का आपको अंतर यहाँ पे दिख रहा होगा। जो पहले जो फोटो था वो थोड़ा सा डस्टी टाइप का कलर्स था, कलर उतना इम्प्रूव नहीं था। अभी देखो मैं अप्लाई करने के बाद ये वाला लेयर सारे कुछ सेटिंग्स, अभी देखो परफेक्ट सा टोन यहाँ पे मिल चुका है। साथ में अगर आपको उठा के डिटेल्स दिखाऊं, देखो डिटेल्स भी बहुत ही इंक्रीज हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है, प्रीमियम टाइप का ओरिजिनल जो DSLR के जैसा फोटो यहाँ पे लग रही है। तो आपको इस तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप सिंपली देख ही सकते हो किस तरह का रिजल्ट मिल गया है। सिंपली मैं यहाँ से करने वाला हूँ ओके, और ओके करने के बाद ये जो कैमरा रॉ फिल्टर है प्रोसेसिंग करके ये अप्लाई कर देगा। अभी देखो ओवरऑल फोटो का तो चेंजेस इतना तक मैंने कर चुका हूँ, अभी अगर कोई भी कलर टोन की कमी रहता है वो सारा कुछ इसके बाद आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो मैं रिकमेंड करूंगा इतना तक ही काफ़ी है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आशा करता हूँ आज का जो सेटिंग्स आप लोगों को बताया आप लोगों को पसंद आया होगा, और आज का ट्यूटोरियल आप लोगों को हेल्पफुल भी हुआ होगा। अगर हेल्पफुल होती है तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चले मिलते हैं नए कोई एडिटिंग के साथ, नए कोई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।